हाय गाइस, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं टेक एट सिक्स और ये है बोट का एयरडॉप्स 441। सो बेसिकली ये एक वायरलेस ईयरफोन है जैसा कि आप देख ही सकते हो। और इस वाले में मतलब मैं इसे 5-6 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैं जल्दी से रिव्यू शुरू करता हूँ। और अगर सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे दो बातें आ जाती है, एक तो इसका केस का डिज़ाइन और एक इसका एयर पीस का डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं अगर इसके एयर पीस की डिज़ाइन की बात करूँ तो हमें यहाँ पे एकदम ब्लैक मैट कलर में नियॉन का एक्सेंट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा फिनिश देता है इसे और मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ईयरपीस है। हमें यहाँ पे एक ईयर होल्डर मिल जाता है जिसे आप कान में लगाओगे तो काफ़ी अच्छे से ये फिट होगा। और मैं इसे पहन के वर्कआउट भी किया और जॉगिंग की, साइकिलिंग की, तो गिरा नहीं बिल्कुल भी और मतलब टस से मस नहीं हुआ। तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है, आप इसे और अच्छे से वर्कआउट के टाइम भी यूज़ कर पाओगे। और उसके अलावा हमें यहाँ पे पीछे की तरफ 3 मैग्नेट मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरह से ये इसके केस में लगता है और ये बिल्कुल भी अगर मैं हिला के दिखाऊं तो ये गिरेगा नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। काफ़ी अच्छे से लगेगा और वायरलेसली चार्ज होगा काफ़ी फास्ट। उसके अलावा अगर मैं इसके एयर टिप्स की बात करूँ तो सिलिकन एयर टिप्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छे से वैक्यूम क्रिएट करता है। और हाँ, मुझे एक बात इसकी पता नहीं, ये हो सकता है मुझ पर, आप पे डिपेंड करे, बट मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा जब मैंने इसे अपने कानों में लगाया। तो आई थिंक मैंने तो जितना एक्सपीरियंस किया मैं 2 घंटे से ज़्यादा इसे रख नहीं पाया क्योंकि ये जो इसका जो वैक्यूम क्रिएट होता है ना वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि मुझे वैक्यूम वाले ईयरफोन्स की आदत नहीं है, हो सकता है इसीलिए ऐसा हो रहा हो। बट उसके अलावा सराउंडिंग का जो नॉइस है काफ़ी अच्छा से ये मतलब अंदर तक आने नहीं देगा और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा अगर इसके साउंड की बात करें तो यहाँ पे 2 बात आ जाती है, एक तो कॉलिंग का और एक म्यूज़िक का। तो सबसे पहले अगर इसके कॉलिंग की साउंड की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लियर है और क्योंकि इसके दोनों ही ईयर टिप्स में हमें मिल जाता है इसका माइक्रोफोन तो वो एक अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी मतलब आपका ऐसा नहीं है कि वॉइस कम जाए दूसरों जिससे आप बात कर रहे हो, ऐसा कुछ वैसा नहीं होगा। और अब म्यूज़िक की बात करूं तो इसका बेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं बोलूं तो पूरे अच्छे से ये इक्वलाइज करके काफ़ी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाली है जो वो आपको चुभेगी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी कोई कोई गाने में होती है तो वो चुभने लगती है, तो वैसा नहीं है ये, मतलब बैलेंस कर लेता है ये जो साउंड को, जो भी एनालाइज करता है साउंड को, प्रोसेस करता है, वो काफ़ी अच्छा है इसका, तो वो एक अच्छी बात है। और हाँ, एक बात और है कि इस पे आपको जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं और इस प्राइस रेंज में जेस्चर्स तो मिलते हैं बट उतने रिस्पॉन्सिव नहीं होते। बट इसका जेस्चर हर बार, मतलब पहली बार में, मतलब मैंने जितना यूज़ किया है, जितना दिन तक पहली बार में काम हो गया है, तो इसमें दोनों ही तरफ हमें टच सेंसिटिव ईयर टिप्स मिल जाते हैं। और अगर इसे हम डबल टैप करेंगे राइट साइड में तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा और अगर लेफ्ट साइड में इसे डबल टैप करेंगे तो ये प्रीवियस हो जाएगा। सिंगल टैप में प्ले पॉज होता है और सिंगल टैप में ही आप इसे कॉल रिसीव कर सकते हो और कॉल को कैंसिल कर सकते हो। तो जो भी ओवरऑल इसका टिप है मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी लाइट वेट है तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप अपने कानों में लगाओगे तो आपको उतना पता नहीं चलेगा कि कुछ भारी चीज़ है या ऐसा कुछ, तो ये इसके लिए मेरे तरफ से एक प्लस पॉइंट है कि काफ़ी मतलब ओवरऑल काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लगा। अब अगर जल्दी से इसके केस की बात करें तो केस का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वही एक्सेंट मिल जाता है हमें नियॉन कलर का, सामने बोट लिखा हुआ मिल जाता है और काफ़ी अच्छा लगा। और अंदर से भी हमें यहाँ पे एक नियॉन कलर का पूरा फिनिश मिल जाता है अंदर और केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको ये साउंड सुना दूँ तो आपको साउंड से ये बहुत लोगों को पसंद आता है और काफ़ी सेटिस्फाई करता है ये, तो मुझे भी ये साउंड काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मतलब इससे पता चलता है आपका केस कैसा है। फ्रेजाइल तो बिल्कुल नहीं है और मैं इसे अगर ज़बरदस्ती हिलाऊँ तो ये थोड़ा हिल रहा है बट उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मगर ऐसे हिलाता तो ये हिलेगा और काफ़ी अच्छा है, फ्रेजाइल बिल्कुल नहीं है, तो काफ़ी अच्छा सॉलिड, हाँ मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो यस, केस काफ़ी इसका मतलब प्रीमियम है और आपको अगर आप इसे पकड़ोगे तो काफ़ी प्रीमियम फील आएगा। इसके केस को खोल के दिखाता हूँ तो यार मतलब यहाँ पे दोनों ही टिप्स में मस्त सा एकदम लाइट जलेगा और हमें यहाँ पे सामने ही यहाँ पे लाइट जलते हुए मिल जाएगा, चार्जिंग जब होता है तब लाइट जलता है। तो या अच्छा है, बैटरी बैकअप दोनों का ही काफ़ी अच्छा है, केस का और ईयर टिप्स का।
3.5 आवर्स का बैटरी बैकअप है, मतलब लाइक मैंने जब जहाँ तक यूज़ किया मुझे 4 आवर्स तक दे देता है, हालांकि मैं उतने वॉल्यूम में नहीं सुनता हूँ, तो उस हिसाब से 4 आवर्स तक दे देता है, अच्छी बात है। और उसके अलावा इसका जो केस है वो इसे लगभग 4 बार पूरा फुल्ली चार्ज कर देगा, तो आप मान के चलो कि 16-17-18 घंटा दे देता है। तो ये तो आई थिंक इनफ है। आजकल जो नए नए एयरपॉड्स आ रहे हैं और जो वायरलेस ईयरफोन्स आ रहे हैं उसमें तो 40-40 घंटे का बैटरी बैकअप रहता है, तो मुझे लगता है उतना ज़रूरत होगा भी, बट इसमें यही है। और उसके अलावा हमें पूरा मैट ब्लैक फिनिश मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि यार अगर इसमें मतलब बहुत सारे केस होते हैं जो मैट फिनिश में नहीं आता, तो वो जब आप उसे पॉकेट में रखोगे तो वो दिक्कत होगी। और हाँ, केस में एक चीज़ ज़रूरी थी कि वो पोर्टेबल है कि नहीं, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं अपने एक मुट्ठी से इसे पूरा अच्छी तरह से कवर कर ले रहा हूँ, तो एक अच्छी बात है। ये मतलब काफ़ी पोर्टेबल है, काफ़ी छोटा सा है, तो आप इसे ले कर कहीं भी घूम सकते हो, ये अच्छी बात है। और ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे काफ़ी पसंद आया, और अब तक तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। 6 दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, लगभग आज इसका 6वां दिन है। और एक बात बता दूँ, बहुत लोग को इंटरेस्ट रहता है कि इसमें चार्जिंग के लिए कौन सा पोर्ट है, तो इसमें टाइप सी है, ये एक अच्छी बात है, आपको और कोई वायर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा अगर आप इसे कैरी कर रहे हो तो। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें जो इसकी लेटेंसी काफ़ी लो है, तो ये होती क्या ये मैं समझाता हूँ। जब आप गेम खेलते हो तो जब वहाँ से जब गेम खेलते वक्त फायर करते हो या कुछ ऐसा होता है, तो वो कितने देर में आपको सुनाई दे रहा है ईयरफोन में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैं बता दूँ, क्योंकि ये मतलब आपके जान के ऊपर जान पे खतरा हो सकता है अगर ये लो लेटेंसी इसकी अच्छी नहीं हुई तो। तो उसके लिए एक थम्स अप है कि इसका लो लेटेंसी काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा बस यही था मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ। आप बताओ आपको ये कैसा लगा, और मैंने अब तक यूज़ जहाँ तक किया है मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आगे का पता नहीं, बट अब तक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये, और मैं इसे अभी और कुछ दिन यूज़ करके देखता हूँ, और अगर कुछ मुझे अगर ऐसा लगा कि कुछ खराबी है या कुछ और अच्छे पॉइंट्स है, तो मैं ज़रूर इसका एक फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, एक इन डेप्थ रिव्यू बनाऊँगा, और उसमें मैं बताऊँगा कि ये कैसा है। बट अभी तक मुझे लगता है कि अच्छा है, आप इसे ले सकते हो। और इसका एक और मॉडल आता है, और उसमें कुछ ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं है, बस कलर चेंज कर दिया है और बस मॉडल का नाम चेंज कर दिया है, तो ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा किया है, बट यस ऐसा ही है। तो बोट के वैसे भी ईयरफोन काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने इससे पहले बोट का वायर्ड वाला यूज़ किया था, वो भी काफ़ी अच्छा था, और अब इसके साथ मेरा एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बस हाँ, जब ये वैक्यूम क्रिएट करता है इसकी ईयर टिप्स आपके कानों पे, तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। उसके अलावा वो आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर वैक्यूम वाला पसंद है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले मैं वैक्यूम वाला नहीं यूज़ कर रहा था, तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। उसके अलावा ये मतलब गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, मल्टीमीडिया यूसेज के लिए काफ़ी अच्छा है, और यही था मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास ये है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो, मेरा एक्सपीरियंस अलग हो, तो बस मैं ये शेयर कर रहा था आपके साथ। सो यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।